दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन बहाली को लेकर देश भर से आए सरकारी कर्मचारी एक दिन का आंदोलन कर रहे हैं। एजुकेशन, मेडिकल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेलवे समेत हर विभाग के कर्मचारी मौजूद। 2004 से इनकी पेंशन रोकी गई है। दिल्ली के मियांवाली नगर में जला रही है कूड़ा। डीडीए पार्क में कूड़ा जलाने से लोग परेशान, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। पिछले कई दिनों से जलाया जा रहा है। नोएडा एक्सटेंशन के तिगरी गांव में एक प्लांट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग। पथराव में आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई। मौके पर पहुंची थाना बिस्तर की पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। गांव में पुलिस पर तैनात किया गया। गाजियाबाद के साइबाबाद थाना क्षेत्र बॉर्डर पर बने ट्रांसपोर्ट के गोदाम में केमिकल के ड्रमों में आग लग गई, जिनमें आग लगने से ड्रम बम की तरफ फट गए। खतरा इस बात का भी बना है, गोदाम के पीछे रेल ट्रैक बना है और उस पर से गाड़ियां गुजर रही हैं। वहीं दमकल की 6 गाड़ियां आग पर काबू पा चुकी हैं। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हुई है, हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग फैली है। गाजियाबाद में NH 58 पर सुबह होते ही जाम के हालात पैदा हो गए। मुरादनगर इलाके में हाईवे पर पूरी तरह से जाम हो गया। लोग अपना वाहन लेकर घंटों तक जाम में फंसे रहे। हाईवे पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं, इसकी वजह से खुद ही लोगों को ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ा।